country. Nervous, of course. क्योंकि वो इतना painful scene है कि कोई भी nervous हो जाएगा. और अब जो दिल्ली में rape case हुआ था, हम सब जानते हैं. It was really very horrible. और शायद जब मैं उस scene को कर रही थी, तो शायद मैं हमेशा रोई रही थी उस scene को करते हुए. तो मैं सोच रही थी शायद उसे कितना painful होगा. आज scene जब वो बस के बाहर फेंक दी गई थी, तो उसके बाद जैसे जब hospitalized उसको किया गया था, तो entry scene reaction. देखिए, मैं actually हमेशा से practical चीजों पे believe करती हूँ. मैं सिर्फ बोलने पर believe नहीं करती कि हाँ मैंने कहा कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी या मैं किसी के लिए कुछ करूँगी. मतलब शायद मुझे भी दिल्ली में रहते हुए कभी डर लगता है कि हाँ 8 बज गए तो मुझे घर पहुँचना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लड़कियों को मतलब सेफ रहना आजकल बहुत ज़रूरी हो गया. उसके बाद से तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, ये सीन जानने के बाद मतलब मुझे बस इतना था कि जो हो गया उसके लिए हम अब तो कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट आगे ऐसा ना हो कि मैं भी दिल्ली से बिलोंग करती हूँ. और हमेशा से मैं, क्योंकि मैं सेफ गर्ल चाइल्ड से भी जुड़ी हुई हूँ, लाइक फर्टिलिटी सेंटर, और मेरे लिए लड़कियों की रिस्पेक्ट करना बहुत मैटर. हाँ, फिल्म में बैकग्राउंड ऐसा नहीं है. आई हैव डन माय एक्टिंग कोर्स फ्रॉम दिल्ली, देन मैंने एक फेस्टिवल फिल्म किया जस्ट टू इम्प्रूव माय एक्टिंग, देन आई हैव डन सम शॉर्ट फिल्म्स. उससे पहले मैं अभी एक मेरी फिल्म रिलीजिंग पर है, हेलो हेलो व्हाट्सअप, इट्स अ कॉमेडी फिल्म. और देन रिसेंटली मैंने एक तेलुगु फिल्म किया है विद नरेश बाबू राजा, एंड हिंदी में मेरी आप ये कह सकते हैं ये सेकेंड फिल्म है. देखिए, ये मेरा मैटर नहीं है. मतलब मैं एज एक्ट्रेस काम कर रही हूँ, और बेसिकली एज एक्ट्रेस के अलावा मेरे लिए मैटर करता है कि ये सब्जेक्ट किस लिए था, बिकॉज मैं प्रेफर करती हूँ सब्जेक्ट सब जगह. हाँ, मैंने आपको बताया एक हेलो हेलो व्हाट्सअप करके मेरी फिल्म आ रही है, देन एक मेरी तेलुगु फिल्म रिलीज़ होगी, और एक वर्किंग प्रोजेक्ट चल रहा है. मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि फिर ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने कहा कि मैं बिलीव करती हूँ, और आप लोग कोशिश करिए कि जितना हो सके कंट्रोल करिए चीज़ों को. थोड़ा सा तो बोलना पड़ेगा. मैं मानती हूँ कि हर किसी को डर लगता है कि हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, और यही मेन रीज़न होता है कि हम लोग किसी के खिलाफ कुछ बोलते नहीं हैं. लेकिन एक स्टेप कुछ ख़राब नहीं करेगा. शायद आपका एक स्टेप किसी और का एक स्टेप, और उससे काफ़ी सारे स्टेप मिलकर शायद हम लोग ऐसा ये रेप सीन या फिर जो भी गलत जो भी कुछ भी होता है हम उसे रोक पाएँ.